রাজধানীর ইন্দ্রনগরে হরিজন কলোনি গৃহবধূ কিরণ বাসফোর হত্যা মামলায় সুষ্ঠু পুলিশি তদন্তের দাবিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মৃতার ভাই বিমল বাসফোর। এই বিষয়ে শনিবার পূর্ব মহিলা থানায় মামলা করতে এসে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মৃতার ভাই অভিযোগ করেন, মাসের পর মাস অনাহারে রেখে তার বোনকে হত্যা করেছে তার স্বামী পিন্টু বাসফোর সহ একই পরিবারের সদস্য বীণা বাসফোর, সেন্টু বাসফোর এবং মিষ্টু বাসফোর। পুলিশ এই মামলায় অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করলেও বাকিরা এখনও পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাই সকল অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে পূর্ব মহিলা থানা দ্বারস্থ হন মৃতার ভাই বিমল বাসফোর। मेरे बहन का शादी हुआ था 2006 में, यहाँ का इंदिरा नगर हरिजन कॉलोनी में पिंटू बास्फोर के साथ 2006 में शादी हुआ था। 2006 से मेरी बहन को टॉर्चर कर करके ये रिसेंटली हम लोग 16 तारीख को हमें पता चला कि उसका डेथ हो चुका है। ये बात भी उन्होंने हमें बताया नहीं, दूसरे लोगों से हमें पता चला कि आपका बहन का डेथ हो चुका है, आप लोग एक बार खबर लिया। जब हम लोगों ने खबर लिया तो भी ये लोग सच्चाई नहीं बता रहे, वो बोल रहे हैं कि आपका बहन बीमार है, थोड़ा सीरियस कंडीशन में है। तो हम लोगों ने जब पूछा उसके बाद फोन काट दिया। ये चीज क्या हुआ कि लास्ट 10 साल से इन लोगों ने हमसे हमारी बहन का पूरा मतलब रिश्ता तोड़वा दिया। अगर वो हमसे फोन में बात करती थी तो भी ये लोग उसके साथ मारपीट करते थे, डोमेस्टिक वायलेंस करते थे। इसमें ये चारों लोगों के खिलाफ हम लोगों ने एक एफआईआर दिया है, पहले गुवाहाटी से किया था, 0 FIR दिया था, वो कॉपी लेके हम लोगों ने यहाँ पर आपका इस थाना में आके एक FIR दिया। उस बेसिस पर क्या हुआ, हम लोगों ने उनको पूरे फैमिली के अगेंस्ट में FIR दिया था, लेकिन क्या हुआ कि उनके फैमिली का सिर्फ एक जो पिंटू बास्फोर है, जो मेरी सिस्टर के हस्बैंड थे, उनको ही अरेस्ट किया है, लेकिन बाकी लोग अभी भी आजाद घूम रहे हैं। मेनली क्या है, मेन कल्प्रिट है उनकी माँ, उनके छोटे भाई और आपका उनके छोटी बहन है मिस्टू, ये तीनों, और वो तीनों ही अभी तक मतलब एकदम आजाद घूम रहे हैं। तो हम यहाँ के मुख्यमंत्री के दृष्टि आकर्षण करके यही एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि जिस हम लोगों के जानने में आया है कि यहाँ के मुख्यमंत्री से बोलते हैं कि कोई भी ऐसा केस हो जिसका तुरंत जिस पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, तो उनका दृष्टि में ये बात लाना चाहते हैं कि जो भी ये मर्डर केस हुआ है, जो भी मर्डर केस हम लोगों ने FIR दिया है, उसके बेसिस में तुरंत ही इसका मान लीजिए जो भी जांच पड़ताल है करके जो कल्पित है उनको जेल में भेजा जाए। बस हमारा यही एक विनम्र अनुरोध है, जितने जल्दी हो सके कल्पित लोग इनको